वेलकम टू सद्भावना न्यूज़ एंड आई एम शर्मा। मध्य प्रदेश को आज 9577 करोड़ रुपए लागत की 34 सड़क परियोजनाओं की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। गुरुवार को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित समारोह में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी 1356 किलोमीटर लंबी 34 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस मौके पर केंद्र तथा राज्य सरकार के अनेक मंत्री, सांसद तथा विधायक शामिल रहेंगे। इसी के साथ ही केंद्रीय तथा राज्य सरकार के मध्य इंदौर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क निर्माण का MOU भी साइन होगा। ये कार्यक्रम सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा प्रदेश के लोक निर्माण विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। 9577 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनने वाले इन सड़क परियोजनाओं से प्रदेश में आधारभूत ढांचे की तस्वीर बदलेगी। सड़क तंत्र के मजबूत होने से उद्योगों के विकास को नई दिशा मिलेगी व उद्यमी प्रदेश में और अधिक निवेश के लिए आगे आएंगे, जिससे रोजगार के लिए नए अवसर सृजित होंगे तथा पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। बताया गया है कि इस कार्यक्रम में 14 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और 20 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। लोकार्पण की जा रही परियोजनाओं के तहत 4736 करोड़ रुपए की लागत से 767 लंबाई में 4x2 लेन निर्माण और सड़क मजबूतीकरण के कार्य कराए गए हैं। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।